वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह मेरी बच्ची, माशाल्लाह बहुत खूब। मेरी सलमा को किसी की नजर ना लगे। शाबाश मेरे बच्चा। फातिमा, खुदा ने सलमा की शक्ल में हमें नेमत बख्शी है। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। चलिए अब जल्दी से इस वीडियो को सोशल साइट पे डाल दीजिए, बाकी लोगों को भी तो पता चले कि हमारी सलमा में कितनी काबिलियत है ना। काबिलियत तो है हमारी बेटी। लेकिन आज नहीं कल डालता हूँ। कल नई गाड़ी की फोटो और ये वीडियो दोनों अपलोड कर दूंगा। कल इतवार भी है, लोग फुर्सत में रहते हैं। लोग वीडियो देखेंगे और मेरी बेटी की तारीफ करेंगे। क्यों? हाँ? अब वो एक सेल्फी। सेल्फी? चलो एक सेल्फी लेते हैं, हमारी सलमा बेटी के साथ एक सेल्फी लेते हैं। स्माइल। फातिमा जी, देख वीडियो जी, ये देखो फातिमा, सुबह से ही सलमा की वीडियो में कितने लाइक्स हैं। सब बाबा इसने लूट ली, मेरी गाड़ी पे एक भी लाइक नहीं मिला। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसा तो होना ही था। अच्छा ये तो बताओ कि खाने में क्या बना है? मटन का सालन बना है। मटन बना है, मटन खाएंगे। अच्छा एक काम करना जी, महेश के लिए भी एक डब्बे में डाल देना, उसे बहुत पसंद है मटन। इरफान, हमें पता है कि महेश को मटन बहुत पसंद है, लेकिन उसकी बीवी को उसका मटन खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप क्यों सफर? अरे मुझे पता है उसकी बीवी को पसंद नहीं है, लेकिन उसके बगैर अगर मैं मटन खाऊं तो मुझे हजम नहीं होगा ना। पता है। और एक मटन के लिए हम दोस्त को दगा नहीं दे सकते। अच्छा बस बस, ज्यादा फिल्मी होने की जरूरत नहीं है, डब्बा पैक कर जाओ। आज हम मटन खाएंगे। शोभा जी आइए आइए आइए। अभी सलमा का वीडियो देखा आपने? देखा? हाँ, बहुत अच्छा। बहुत होशियार हो गया, दिल खुश कर दिया। अच्छा फिर तुमको इनाम मिलना चाहिए। अब बताओ क्या चाहिए? आंटी मुझे अप्पम चाहिए। अप्पम चाहिए? ओके ओके, इतना सारा अप्पम बनाती तुम्हारे लिए। हाँ इरफान भाई, मैं जाके अप्पम बनाती, आप इसको लेके खाने को आ जाओ। हाँ जी, मैं अभी पाव लेने जा रहा हूँ, तो आपके घर छोड़ते हुए चले जाऊंगा। ठीक है, शुक्रिया। तुमने देखा कितने वीडियोस देख रहे हैं सब? हाँ, आपने वो सेल्फी जो लिया ना, वो भी डाल दूंगा। सलाम अलैकुम। सलाम भाई, मुबारक हो, आपकी सलमा तो स्टार बन गई। आपको पता है पूरा मोहल्ला इसी का ही वीडियो देख रहा है। अच्छा। बहुत अच्छे बेटा। थैंक यू अंकल। कैसे हो बेटा? नमस्ते। इतनी छोटी है लेकिन कितनी अच्छी तरह उसने नमाज पढ़ा है। देखा बेटा, सबने तुम्हारा वीडियो देखा, सब कितनी वाह वाह कर रहे हैं। अच्छा बेटा, सुबांडी घर जाना है ना, जा संभाल के। हाँ इरफान। अरे महेश भाव। अच्छा हो तुम मिल गए, ये लो तुम्हारे लिए मटन लाया हूँ। अरे तुम्हारा मनपसंद मटन। क्या बात है यार। तेरे घर पे तो लगता भी है इतवार सोमवार कोई दिन होता है, मेरे इधर तो आज भी वो सड़ा हुआ बटाटे का भाजी और रोटी बना होगा। अरे लगता ही नहीं आज छुट्टी है। क्या हुआ, उधर क्या देख रहे हो? अरे वो सलमा गई है ना शोभा जी के घर पे, तो शायद अंदर चली गई। अच्छा। अच्छा महेश भाव, मैं चलता हूँ, बेकरी से पाव ला रहा है। भाव मटन जरूर खाना। बिल्कुल आता हूँ। अरे सलमा। हाँ? हमारे अनवर को भी नमाज पढ़ना सिखा दे। आज नहीं कल, अभी मुझे अम्मी के पास जाना है। जरूर। हाँ बाय बाय। कुड़ निकाली। सलमा के लिए खीर बनाई है, वही देने जा रही हूँ। क्यों, उसके माँ बाप नहीं खिला सकते उसे? खिला सकते हैं, लेकिन बच्ची का हौसला बढ़ाने के लिए बनाया है। उसका वीडियो नहीं देखा क्या तुमने? कैसे आदमी हो तुम, किसी की तारीफ नहीं सुन सकते ना।
अच्छा सुनो, मैं जाकर खीर देकर आती हूँ, तब तक यही रहना, कहीं जाना मत। फातिमा? हाँ, यहाँ किचन में हूँ। अगर सलमा कुटे, मैं उसके लिए खीर लेकर आई, बुलाना उसको। अरे वो शोभा दीदी की आ गई है, बस आती हो तू, आना बैठना मेरे पास। मैं इसका वीडियो देखी, बहुत ही प्यारी लग रही है सच में, है ना? तो सच्ची में बहुत किस्मत वाली है जो इतनी प्यारी और होनहार बच्ची मिली। और एक मैं, मुझे तो बच्चा ही नहीं है। गायत्री कैसी बातें कर रही है तू? सलमा अगर मेरी बेटी है तो तेरी भी है ना? वो तो है। सलमा बेटा, फातिमा। हाँ। पूरा मोहल्ला सलमा की तारीफ कर रहा है। अब तक वीडियो 5,000 लोगों ने देखा है, आपने देखा कि नहीं? हाँ देखा है। सबको बहुत पसंद आया। अरे कहाँ है वो सलमा? अरे वो शोभा दीदी के घर गई है, आती होगी। आई नहीं, लेकिन वो तो कह रही थी कि 15 मिनट पहले घर के निकल गई थी वो। क्या? हाँ। घर नहीं आई तो फिर कहाँ गई? इरफान 15 मिनट थोड़ी लगते हैं वहां से यहाँ आने में। फातिमा तू फिक्र मत कर, पूरे मोहल्ले की लाडली है, किसी ना किसी के घर पे होगी। मैं और भाईजान जाकर देख कर आते हैं, तो चिंता मत कर। हाँ, इरफान मैं भी चलूँ आपके साथ? अरे नहीं फातिमा, मैं और भाईजान जाकर देख कर आते हैं, तो बिल्कुल फिक्र मत कर। चलिए भाईजान, आइए। चलिए भाई साहब, वो मेरी बेटी सलमा यहाँ आई थी क्या? भाई साहब वो मेरी बेटी सलमा को देखा? नहीं। आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए, महेश को भी बोलते हो सलमा को ढूंढने के लिए, हम जाइए। ये महेश को क्या हो गया? महेश फोन क्यों नहीं उठा रहे? महेश, 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 महेश। दिन ब दिन मासूम बच्चों के साथ बढ़ती हिंसा और अत्याचार के आंकड़े अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहे हैं। क्या हम ये भूल गए हैं कि ये मासूम बच्चे हमारा भविष्य हैं? क्यों अचानक इंसानियत को कुचला जा रहा है? क्या कसूर है इन नन्ही बच्चियों का जिनका अपहरण हो रहा है, जिनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, बेरहमी से कत्ल किया जा रहा है? मुंबई में भी कुछ दिन पहले ऐसा शर्मनाक हादसा हुआ जिससे मिलजुल कर रहने वाला एक मोहल्ला हड़बड़ा गया। सलमा कहाँ है? सलमा, इरफान सलमा कहाँ है? हर तरफ देखा लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। फातिमा, मेरी हस्ती खेलती मुस्कुराती सलमा पलक झपकते ही गायब हो गई थी, या फिर कहे कि किसी ने उसे गायब कर दिया। हर रोज टीवी, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, अखबारों में खबरें देखकर मानिए मेरी रूह कांप रही थी। आखिर क्यों कुछ लोग इस कदर हैवान बन गए हैं? क्यों मासूमियत को कुचलना मानो जैसे उनका शौक बन गया है? क्यों? जब सलमा का कहीं पता नहीं चला तब इरफान और फातिमा ने मुंबई पुलिस की मदद मांगी। सुनो, ये इरफान कुरैशी कह रहा था वहां पे आ गिर। कहां से गायब हुई आपकी बच्ची? मालूम नहीं सर, मैं तो शोभा जी के घर में छोड़ कर आया था उसे, फिर मैं जब वापस घर लौटा तो वो नहीं थी सर घर पे। सुबह आई थी, अपम खाने को दिया, थोड़ा घर लेके जाने को भी दिया, वहां से निकली थी आने के लिए, पता नहीं यहाँ नहीं पहुंची। हो सकता है मोहल्ले में किसी के आ गई हो। सर हमने एक एक घर में मालूम किया जाकर, लेकिन वो कहीं पर नहीं थी सर। आपने उसे अकेले जाने क्यों दिया? उसको घर तक क्यों नहीं छोड़ा?
सर क्योंकि आज से ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। सलमा पूरे मोहल्ले की लाडली, हर कोई उससे मोहब्बत करता है, दिन भर वो यही खेलती रहती है। बच्चे की फोटो दीजिए। जी सर। बच्चे की फोटो सब जगह सर्कुलेट करवा दो। अगर सारा मोहल्ला बच्ची को जानता है और बच्ची का ख्याल रखता है, हो सकता है किसी बाहर वाले ने पैसों के चक्कर में बच्ची को। सुनिए, आप अभी इरफान के घर पे थे ना? जी साहब। आप बता सकते हैं कि इरफान काम क्या करता है? साहब उनका भंगाड़ का धंधा है। भंगाड़? हाँ, मतलब इतना छोटा मोटा धंधा भी नहीं है। जब जूनी बिल्डिंग टूटने वाली होती है तो इरफान भाई उनके लकड़े और लोखंड बेचने और खरीदने का काम करते हैं, अच्छा कमा लेते हैं। वो देखिए सर, वो दोनों गाड़ियाँ इरफान भाई की है। ठीक है, थैंक यू जी। मतलब ये स्क्रैप डीलर है, सारा लेन देन कैश में। एक काम करो, जरा पता करो वहां कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सर। इरफान जी, हमें आपकी परमिशन चाहिए। इस बारे में सर? आपके मोबाइल पे आने वाली सब कॉल्स रिकॉर्ड होंगी, ताकि जब किडनैपर आपको फोन करे तो हम उसका लोकेशन ट्रेस कर पाए। यहाँ पे साइन कर दीजिए। अब जो बताओगे मैं करने को तैयार हूँ सर, लेकिन बच्ची को मुझे वापस दिला दो सर। पैसा अगर देना हो तो पैसा देने को भी तैयार हूँ मैं। मुझे एक बात बताइए, घर आपने इतना अच्छा बनाया है, टू टू गाड़ियाँ हैं, जब इतने पैसे हैं आपके पास तो आप ऐसी लोकेलिटी में क्यों रहते हैं? स्क्रैप का धंधा है मेरा, सब काम कैश में चलता है, और अच्छी जगह घर खरीदना हो तो वाइट मनी लगता है सर। पर ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ना, वो नई नहीं है, सेकेंड हैंड है, सबका पेमेंट मैंने कैश में किया है। अच्छा, आप याद रखिएगा कि आपके फोन पर आने वाली सब कॉल्स रिकॉर्ड होंगे। एक और हिदायत मैं आपको देना चाहूंगा, अपने मोबाइल पर और अपने घर के आसपास जरा नजर रखिएगा, सतर्क रहिएगा। कुछ भी डाउटफुल आपको महसूस होता है तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्म कीजिए। ठीक है, तुम वही नजर। सर, आसपास के पुलिस स्टेशन में सलमा से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, और ना ही हमारे खबरियों के हाथ कुछ लगा है। हमारे लोगों ने आसपास के अस्पताल और मुर्दाघर भी चेक किए, वहाँ भी सलमा से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। इरफान अच्छा खासा कमाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके धंधे में कोई उसका दुश्मन है? लेकिन सर, मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, और इधर मोहल्ले में मेरे अलावा कोई स्क्रैप का धंधा भी नहीं करता। सबसे अच्छे और घर जैसे ताल्लुकात है मेरे, गणपति, ईद, होली, दिवाली हम सब मिलकर मनाते हैं सर, सबके साथ भाईचारा है, रंजीत जैसी कोई बात ही नहीं है सर। सर, सर जो तो सीसीटीवी कैमरा मिले थे उनकी फुटेजेस मिल गई, उसके डेटा को हमने लैपटॉप में ट्रांसफर कर लिया। चलो। सर, इरफान के घर के पास जो सीसीटीवी कैमरा है, ये उसकी फुटेज। यहाँ पर इरफान सलमा को लेकर अपने घर से बाहर निकलते हुए नजर आ रहा है। जिस पॉइंट पे इरफान महेश को मिला था वो इस कैमरा के रेंज के बाहर है, और वहीं से इरफान ने सलमा को शोभा के घर अकेले भेजा था। और सर, शोभा के घर के सामने जो ग्रोसरी शॉप है उसकी सीसीटीवी कैमरा की फुटेज, यहाँ पर सलमा शोभा के घर में जाते हुए दिखाई दे रही है और यहाँ से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है। सर, इन दोनों कैमरा के बीच की जो जगह है वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, सलमा को किसी ने वहीं से किडनैप किया है। प्रकाश, पॉसिबल है कि किसी पड़ोसी ने ही सलमा को किडनैप किया हो। सर, एक पॉसिबिलिटी और है, इन दोनों कैमरा के बीच की जो जगह है वहाँ से कई सारी गाड़ियाँ गुजरी, हो सकता है किसी ने सलमा को गाड़ी के अंदर खींच लिया। जितनी गाड़ियाँ पास हुई सबके नंबर निकालो और जरा पता करो, और ये दो कैमरे के बीच का जो गैप है इस दौरान जितने घर पड़ते हैं सबकी तलाशी लो। सुनिए, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। क्यों? आपके मोहल्ले से एक बच्ची सलमा गायब है, उसी सिलसिले में। आप तलाशी लेने आए हो या इल्जाम लगा रहे हो? आपके पास सर्च वारंट है? देखिए, जिस तरह की तलाशी आप समझ रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना है ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि प्रोसीजर में सर्च वारंट भी होता है। जाइए, वारंट आइए और तसल्ली कीजिए, ऐसे बिना वारंट के आप मेरे घर में नहीं घुस सकते। आप बेवजह बात को बढ़ा रहे हैं। बेवजह कैसे हुआ? हाँ, बेवजह कैसे? आप मेरे घर में तलाशी लेने आए हो, ये बात छोटी हुई? और तुम लोग, हाँ तुम लोग क्या घास खाते हो जो बिना वारंट के इन्हें अपने घर में घुसने देते हो? अंकल, अंकल,
पापा का लफड़ा हुआ है पुलिस वालों के साथ, वो लोग एक दूसरे पे भड़क रहे हैं, आप प्लीज चलिए ना प्लीज। क्या चल सलमा मेरी भी बच्ची जैसी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसका नाम लेके पुलिस कुछ भी करेगी। आइए इरफान भाई, अब तो मोहल्ले वालों को भी दुश्मन बना लिया आप। 25 साल एक परिवार की तरह रहे, अब परिवार वाले ही दुश्मन हो गए और इन्हें बेइज्जती करने के लिए भेज दिया। ककन भाई माफ कर दो, देखो ये सब मेरे कहने से नहीं हुआ है। देखो ये इनका काम कर रहे हो, मेरे कहने से नहीं कर रहे। मुझे आप लोगों पर कभी ना शक था ना कभी होगा। मैं तो सिर्फ इतना बोलता हूँ ककन भाई कि मेरी 6 साल की बच्ची गायब है, उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, इनकी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। जाइए तलाशी लीजिए। तुम्हें देखना है तो तुम भी देख लो। आप लोग जा क्यों नहीं रहे? जाइए अच्छे से तलाशी लीजिए। सलमा को गायब हुए 6 दिन बीत चुके थे, पर उसका कहीं कुछ पता नहीं लगा। पुलिस वालों ने अपनी तरफ से पूरी मुमकिन कोशिश की, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भी कई तमाम जगहों पर उन्होंने सलमा की तस्वीर दी, इस उम्मीद में कि कहीं से कुछ खबर आ जाए। मेरी सलमा ऐसी जगह पर थी जहां तक हमारी नजर नहीं पहुंच पा रही, यहां तक कि लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया था कि मेरी बच्ची के साथ वो हुआ है जो नहीं। नहीं अल्लाह, ये मैं क्या कह रही हूं, मैं क्या कह रही हूं। पूरा मोहल्ला सलमा को चाहता था, फिर कौन हैवान था जिसने सलमा को अगवा किया था और पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई, इसका गुस्सा सारे मोहल्ले में फैल गया। देखो भाई लोग, अब तक तो यह समझ में आया होगा कि पुलिस अपने को एड़ा बना रही है। उसको सलमा की कुछ नहीं पड़ी है, बिल्कुल नहीं पड़ी है, और काय को पड़ी होगी। अरे सलमा कौन से किसी करोड़पति के औलाद है? अरे कोई पैसे वाला होता ना तो अब तक ये लोग उसको खोद के भी निकाल लिए होते। पर गरीब की कौन सुनता है? पर अभी अपन लोग चुप नहीं बैठेंगे, मीडिया के पास जाएंगे, अखबार में जाएंगे और जिधर जा सकते ना उधर जाएंगे, लेकिन अपनी सलमा को न्याय दिला के रहेंगे। सर ये तो लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है, देख रहा हूँ। सलमा को न्याय दिला के रहेंगे, सलमा को न्याय दिला के रहेंगे, सलमा को न्याय दिलाते रहेंगे। महेश, उन लोगों की लड़की के साथ गलत हुआ है, इसलिए वो हमें ही दोष देंगे। इसलिए मैंने मोहल्ले के सारे लोगों को बोला है कि अगर हम लोगों पर उंगली उठी तो हम सारा मोहल्ला हिला कर रखेंगे। वो इरफान के साथ तुम्हारी दोस्ती यारी सब ठीक है, लेकिन तुम भी संभल कर रहना। ठीक है। सलमा 422 नंबर खोली में है। सर बाइक तो निकल गई, लेकिन उसका फोटो ले लिया, नंबर मिल गया। प्रकाश ये 422 नंबर की खोली किसकी है? तुझे वारंट देखना था ना, ले पूरे करके तलाशी लो। अरे साहब लेकिन सर अंदर कुछ नहीं मिला। सर ऊपर भी कुछ नहीं मिला। ओके सर, आरटीओ से बाइक की इंफॉर्मेशन मिल गई, इसी मोहल्ले की। प्रकाश करुण
हाँ जी, बाइक तुम्हारी है? हाँ सर, बाइक मेरी है, लेकिन कोई भी लेकर घूमता रहता है सर। मतलब? सर मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ, नाइट शिफ्ट में, इसलिए पूरा दिन सोता रहता हूँ। सर मेरी बाइक का लॉक खराब हो गया है, इसलिए मोहल्ले के बच्चे दिन में लेके घूमते रहते हैं। सर मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। सर आपके पास कोई बाइक की चाबी है? सर किसी की भी चाबी से खुल जाती है। कौन कौन लेके जाता है तुम्हारी बाइक? सर 5-6 लोग हैं, कैलाश, कौस्तुभ, देवेश, सौरभ, निखिल। सर ये मोहल्ले के ही हैं, ये लेके जाते हैं। पुलिस सलमा को तलाशने के लिए हर तरकीब लगा रही थी, पर इसके बावजूद कोई सुरागहात नहीं लगा था। सलमा को गायब हुए 9 दिन बीत चुके थे और अब आहिस्ता आहिस्ता सारा मोहल्ला भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरफ लौट चुका था। सबने मेरी सलमा की वापसी के ख्वाब देखना बंद कर दिए, सिवाय मेरे माँ हूं ना उसकी, उम्मीद कैसे छोड़ सकती थी। काम पे जा रहे हो? हाँ जाना तो पड़ेगा, सब काम धंधा छोड़ के घर में तो नहीं बैठ सकता मैं। तुम भी सारी दुनिया के जैसे निकले, तुमने भी उम्मीद छोड़ दी है ना, है ना? हेलो, हाँ अच्छा, हेलो, हाँ हाँ जी जी, मैं पैसे लेके पहुंच रहा हूँ जी। मेरी सलमा को आप कुछ मत कीजिए। आप कहाँ से बोल रहे हैं जी? मैं लेके, हेलो, देखिए मैं आप क्या बोलोगे वहाँ पर। हेलो 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 सलमा, सलमा थी, सलमा सलमा कहाँ है? कौन था फोन पे? वो कह रही थी तो ना कहाँ सलमा? सलमा किसी ने अगवा कर लिया। किडनैपर ने आपको जो कॉल किया था वो हमने कंट्रोल रूम में सुना, आपके फोन में भी रिकॉर्डर है ना जी, जरा सुनाइए। हेलो सलमा, वापस चाहिए तो 1 करोड़ रेडी रख, कब और कहाँ लाना है कॉल करके बताता हूँ। इस आवाज को पहचानते हैं? जी नहीं सर। आपने कभी सुनी है ये आवाज? पैसा कहाँ पहुँचाना है ये बताने के लिए किडनैपर दोबारा जरूर कॉल करेगा, उसको बातों में उलझाए रखिए और पैसा अरेंज करने के बहाने उससे एटलीस्ट 2-3 दिन मांग लीजिए, उतनी देर में हम उसे ट्रेस कर लें। जी सर। गुड सर, मोबाइल की लोकेशन 10 से 15 मिनट में पता चल जाएगी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर ये किडनैपिंग पैसों के लिए की गई थी तो फिर किडनैपर ने फोन करने में इतना वक्त क्यों लगा दिया? क्योंकि उसके ध्यान में आ गया था कि पुलिस अब भी इन्वॉल्व्ड है, जैसे ही वो शूट आउट की वजह से हम थोड़ा पीछे हटे उसने तुरंत फोन कर दिया। प्रकाश अपनी गाड़ी मोहल्ले से जरा दूर पार्क करो, उन स्टाफ से बोलो कि यूनिफॉर्म में कोई यहाँ नहीं घूमे, जब तक सलमा मिल नहीं जाती किसी को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि पुलिस इस केस पे काम कर रही है। 24 घंटे इस मोहल्ले पे नजर रखो। सर सर, किडनैपर ने अब तक 3 बार फोन किया है, हर बार अलग अलग नंबर, पर हर बार मोबाइल फोन चोरी करा है, हर बार मोबाइल की लोकेशन अलग अलग जगह की रही है मुंबई की, और सर आखिरी कॉल में उसने 40 लाख रैंसम बताया है। 1 करोड़ से 40 लाख? सर लगता है कि वो बहुत जल्दी में, डेस्परेट। प्रकाश इस जल्दबाजी का मतलब ये भी हो सकता है कि शायद अब सलमा जिंदा नहीं है, और शायद इसीलिए उसने इतनी देर लगा दी और अब 3 दिन में 1 करोड़ से 40 लाख तक आ गया। अगला फोन कब करने वाला है? सर कल। इरफान को बोलो कि जितनी भी रकम वो मांगे हाँ बोल दे। हाँ मैं पैसे देने को तैयार हूँ, बस मेरी बेटी वापस दे दो मुझे। ठीक है, हाँ ठीक है, आप जहाँ बोलोगे वहीं आ जाऊँगा। हाँ हाँ ठीक, 28 लाख मांगा है। कहाँ मंगवाया? सर जगह अभी बताई नहीं, दोबारा फोन करेगा, इरफान को अपनी गाड़ी में आने को बोला है। सलमा को अपने साथ ले आना। इरफान जी हम आपको फॉलो करेंगे, आप किसी को शक मत होने देना कि हम आपके साथ। ये अपने कान में लगा लीजिए, अगर जरूरत पड़ी तो हम बताएंगे कि आगे क्या करना। ठीक।
चलो लेट्स गो। सलमा को अपने साथ लाना। अल्लाह हाफिज। हाफिज। जी 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 हाँ ठीक है ठीक अभी रुकता हूँ। सर किडनैपर ने पूरी प्लानिंग की है। इरफान की गाड़ी भी यहीं छुड़वा दी। सबको मैसेज भेज दो कि रिक्शा को फॉलो करें। चल के तुम लोग रिक्शा को फॉलो करो जल्दी। चैन क्यों लिख रही है? वो किसी से जाहिर मत करना। प्लीज किसी को भी कुछ मत बताना। मेरी सलमा का पता चल गया है। वो एक दरिंदा था जिसने उसे अगवा किया था। फिरौती मांगी थी। दो दिनों से उसे पैसों की बात चल रही थी। वो पुलिस वालों ने हमें मना किया था, इसलिए हमने किसी को भी नहीं बताया। सलमा कब आएगी और भाईजान कहाँ है? वो सलमा को ही लाने गए। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है, पुलिस वाले हैं उनके साथ, उन पे नजर रखने के लिए। भाईजान कब गए? यही कोई आधा घंटा हो गया। महेश आज तो रविवार है, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहा हूँ, आने में देर हो जाएगी, खाना बाहर ही खा लूँ। आज इतवार है, मैंने दो दो भाजी बनाई है। महेश महेश अरे मैं वो गैस पे सब्जी भूल कर आ गई, मैं अभी आती हूँ, ये तुम खाना खाओ, मैं अभी आती हूँ। गायत्री हे देवा, जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ना हो, मेरा शक कभी सच ना हो। रिक्शा रुको भाई, रिक्शा रुको, थामो थामो। प्रकाश पुल के नीचे। जब किडनैपर को यहाँ आना ही नहीं था तो उसने इरफान से बैग क्यों फेंकवाया? हेलो ठीक है सर, इरफान को जिस नंबर से फोन आ रहे थे उसके मोबाइल की लोकेशन उसके मोहल्ले की है, पर अभी वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। मतलब किडनैपर मोहल्ले में ही था और उसने जानबूझकर हमें घुमाया। आई एम श्योर ये नंबर भी चोरी का ही होगा, लेकिन पता करो ये नंबर किसका है और कहाँ से चोरी होगा। और ये बैग उठवा लो सर। चल के बैग गया। सलमा सलमा कहाँ है मेरी सलमा? सलमा सलमा कहाँ है? अब सलमा को नहीं लाए अपने साथ? सलमा वहां थी नहीं। जैसा जैसा किडनैपर ने कहा मैंने वैसा ही किया। बैग फेंका उधर सलमा के लिए, किडनैपर को फोन लगाया, फोन लगाया, उसका फोन स्विच ऑफ था। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। आपने वैसा किया ही नहीं जैसा उन लोगों ने करने के लिए कहा था। उन्हें जरूर इल्म हो गया होगा कि उस बैग में पैसे नहीं है। इरफान चंद पैसों के लिए आपने हमारी बच्ची की जिंदगी
बारे सर। किडने पर पैसे लेने आया ही नहीं। आप लोगों की वजह से नहीं आया, आप लोगों की वजह से मुझे मेरी बच्ची नहीं मिल रही है। आप लोगों ने जो कुछ भी किया ना, ठीक नहीं किया। आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा मेरी बच्ची के बारे में। अब देखना, आप सब लोगों का बदला मेरी माँ जो बच्ची के साथ निकालेगा। अगर मेरी बच्ची को कुछ भी हुआ ना, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी, किसी को नहीं, किसी को नहीं। संभालो अपने। प्रकाश एक बात तो फिक्स है, ये किडनैपर जो कोई भी है इसी मोहल्ले का है। इरफान पैसे लेकर जा रहा था, ये बात हमारे और इरफान के अलावा कोई नहीं जानता। फिर उन्हें कैसे पता चला कि हम इरफान के साथ हैं? का मुक्का मार के ना बत्तीस ही तोड़ दूंगा, चल बिछड़। अरे कामा का गुस्सा कर रहे हैं आप, धक्की धक्का मत दीजिए। क्या हो भाई, क्या प्रॉब्लम है? और तू कौन है भाई, चल बिछड़। सर सर ये बहुत देर से हमें मार रहा है सर। झगड़ा किस बात का है? और तीन चार दिन से पानी में इतनी गंदी बदबू आ रही है, इनको बोलो तो ये कहते हैं हमारी तरफ से सब कुछ ठीक है। ओ यार सुबेरे से मेरी मम्मी को उल्टियां लगी है, और बताना क्या, दिखाता हूँ मैं आपको, रुकिए। वो देखो साहब जी सुनो, और बंदा तो क्या डंगर भी नहीं पिएगा पानी। सर सर सबके यहाँ साफ पानी आ रहा है, ये बदबू कब से आ रही है? तो साहब जी तीन चार दिन से आ रही है, और इनको बोलो तो सुनते ही नहीं है बात। टैंक चेक किया इनका? सर इनका ना अलग टैंक है, वो चेक करना हमारी ड्यूटी नहीं सर। देखो प्रकाश इनका टैंक चेक करता। आओ जी ये देखो जी, ये टैंक है हमारा। प्रकाश आ रही है ना बदबू? सर सलमा सुनिए, बच्ची की बॉडी दो तीन दिन तक पानी में थी, काफी फूल गई है और गल गई है, आप लोग देख नहीं पाएंगे, अपने आप को संभालिए। प्रकाश मुझे जल्द से जल्द पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। सलमा को हम जीते जी तो नहीं ढूंढ पाए, लेकिन उसका कातिल हमारे हाथों से बच के जाना नहीं चाहिए। सलमा को न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है, और उसे हम निभा कर रहेंगे। प्रकाश पता करो यहाँ आसपास में कोई घर खाली है कि? जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता यहाँ से हिलेंगे नहीं हम। सर मेरा कमरा खाली है, अब मेरा घर यूज कर सकते, मैं एक टीचर है, अकेली रहती है। सलमा जब तक थी ना तब तक नहीं लगा कि मैं अकेली है, हंसती खेलती कभी भी आ जाती थी घर में, आज वो नहीं है। लेकिन उसको न्याय दिलाने के लिए मैं आपका हेल्प कर सकती है, और ये मेरा फर्ज है। सर 15 मिनट में साइबर सेटअप रेडी हो जाएगा। गुड सर। सलमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत क्लोरोफॉर्म के ओवरडोज से हुई है, और उसकी मौत 19 मार्च मतलब जिस दिन वो किडनैप हुई उसी दिन हुई थी, दोपहर 10 और 12 के बीच। प्रकाश शायद ये भी हो सकता है कि बच्ची को पानी की टंकी में भी उसी दिन फेंक दिया गया हो। साहब जी देखो ये सही बात है, और किसी भी शरीफ आदमी को आपको घर से उठा के लेके आ जाते हैं।
19 तारीख को कहाँ थे? वो जो 19 तारीख को मैं अफ्रीका में था। देखो जी, मैं माइंस में काम करता हूँ। 19 मार्च को मैं अफ्रीका में था और 21 मार्च को मैं मुंबई आ गया था। अगर आपको यकीन नहीं आता ना, मैं आपको जहाज की टिकट भी दिखा देता हूँ। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आता, मैं आपको पासपोर्ट भी दिखा देता हूँ। चल के सर, इसके साथ जाओ, पासपोर्ट चेक करो, देखो कितना सच बोल रहा है। ओके सर, चलो। प्रकाश, अगर ये सच बोल रहा है तो इसका मतलब है कि मर्डरर को पता था कि बलजीत अपने घर में नहीं है और सलमा की बॉडी को वो आसानी से उस वाटर टैंक में ठिकाने लगा सकता है। जी सर, हो सकता है कि सर मुझे सलमा के खून के बारे में कुछ बात करनी है आपसे। डरो मत, बैठो, अपने घर समझो। जिस दिन सलमा गायब हुई उस दिन तुम कहाँ थे? झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम यहाँ नहीं थे। साहब मैं महेश है, मैं बंद करो और आगे बढ़, वरना हम आगे बढ़ेंगे। बोल कहाँ था? नहीं साहब, मैं वो इरफान उस दिन मुझे मटन दिया था उसके घर का बना। मेरा दारू पीने का प्लान था तो मैं गायत्री के बाहर जाते ही दारू और मटन लेके यहीं पास में ही गया था। मेरा दारू पीना, मटन खाना इसको पसंद नहीं है ना, तो मैं चुपचाप जाके पी लिया था दारू। साहब उस दिन नशा थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था। और उसी नशे की हालत में तुमने सलमा को उठा लिया? नहीं सर, मैं यहाँ घर आके सो गया था सर। मतलब वो क्या हो रहा है साहब? अब तो महेश भाई को क्यों परेशान कर रहे? परेशान नहीं कर रहे, पूछताछ कर रहे, क्योंकि हमें शक है। लेकिन सर, हमें महेश भाई पे कोई शक नहीं है। ये मेरा बचपन का दोस्त है सर। हिंदू मुसलमान एकता की मिसाल देते हैं पूरा मोहल्ला हमारी दोस्ती को। अच्छी बात है, लेकिन आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि हमें हमारा काम करने दीजिए। ऐसा कैसे चलेगा? आप मेरे सामने मेरे दोस्त की बेइज्जती कर रहे हैं। इनके खिलाफ कोई सबूत है आपके पास? देखिए, सबूत तो नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमें शक है। साहब, हमने आपसे कहा ना, हमें महेश भाई पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। सर, जैसे सलमा हमारी बेटी थी, वो इनकी भी बेटी थी। प्लीज उन्हें ऐसे परेशान मत कीजिए आप। इरफान, आयशा पत्यार, मैंने कुछ नहीं किया। मालूम यार, कौन जाके उनको बोला कि मैं ऐसा गलत आदमी है, मैं ऐसा है क्या? मैं बोली, मोहल्ले की लड़कियों को कैसे देखते हो? अच्छा हुआ हमें औलाद नहीं है। नहीं तो अपने बाप को ऐसे देख के उसे कितना शर्मिंदा होना पड़ता। प्रकाश, ये पूरा मोहल्ला है, एक सीसीटीवी यहाँ है, एक सीसीटीवी यहाँ है, जिसका फुटेज हमारे पास है। इरफान बच्ची को लेके अपने घर से निकला, जो इस कैमरे में हमें दिखाई दिया। अब इरफान बच्ची को लेके अपने घर से शोभा के घर जाने के लिए निकला, यहाँ उसने बच्ची को अकेला छोड़ दिया। यहाँ से बच्ची खुद ब खुद शोभा के घर जाने के लिए निकली, जो कि हमें इस कैमरे में नजर आया। थोड़ी देर बाद सलमा शोभा के घर से अपने घर वापस जाने के लिए निकली, लेकिन यहाँ पहुंची नहीं। सलमा की लाश हमें यहाँ मिली, बलजीत के घर। अब इस एरिया में बलजीत और महेश के घर के अलावा करीब 50 घर हैं, और हमारे पास किडनैपर का हुलिया भी नहीं। सर, ढूंढेंगे कैसे? उसकी आवाज़, हमारे पास किडनैपर की आवाज़। इस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं, उनकी आवाज किडनैपर की आवाज से मैच करके देख सकते हैं। गुड आइडिया। इस स्पेस में जितने भी घर हैं, सबको फेक कॉल्स करवाओ और उनकी आवाज रिकॉर्ड करो। 50 घरों से 178 से भी ज्यादा आदमियों की आवाज रिकॉर्ड की गई, और उन सब आवाजों को अपहरणकर्ता की आवाज से मिलाकर देखा गया। सर, जितनी हो सके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उस एरिया में रहने वाले सभी लोगों की आवाज रिकॉर्ड हो गई है। गुड, साउंड एक्सपर्ट को बुलाओ।
इनमें से कुल 6 लोगों की आवाज अपहरणकर्ता की आवाज से तकरीबन मिलती जुलती थी, पर सवाल अब भी बना हुआ था कि इन 6 में से वो कौन है जिसने सलमा को अगवा किया था। सर पता कैसे चलेगा कि इन 6 में से सलमा का किडनैप और मर्डर किया किसने? रणी सबकी मोबाइल लोकेशन निकालो और जरा चेक करो कि जब सलमा का किडनैप हुआ और जब जब रेंसम के लिए कॉल्स आए इनमें से कौन कौन कहां कहां था। सर सर पता चल गया कि सलमा का किडनैप और मर्डर किया किसने था और वो एक नहीं 2 लोग हैं। सर ये वो नंबर है जो हर उस जगह पे मौजूद था जहां से फोन चोरी किए गए थे रैंसम कॉल्स करने के लिए, और ये नंबर हर उस जगह पे मौजूद था जहां से रैंसम कॉल्स किए गए। मतलब एक मोबाइल फोन चुराता था और दूसरा उसका इस्तेमाल रैंसम कॉल करने के लिए करता था। किस किस के हैं ये नंबर? इसमें उन मोबाइल के लोकेशंस हैं जो तुमने रैंसम कॉल करने के लिए चुराए थे, और इसमें तुम्हारे मोबाइल के लोकेशंस भी, और दोनों मैच करते हैं, और दोनों लोकेशंस से जो सीसीटीवी फुटेज हमें मिला है उसमें भी तुम दोनों साफ साफ नजर आते हो। अब मुझे साफ साफ ये बताओ सलमा के साथ ऐसा क्यों किया? बोलो। पैसे के लिए, पापा से हमेशा पैसे मांगता था और वो हमेशा मना कर देते थे। हर रोज दोस्तों के बीच मेरी बेइज्जती होती थी। मुझे पता था इरफान अंकल बहुत अमीर है। वो 6-6 महीने में एक नई गाड़ी खरीद लेते थे। मैंने सोच लिया था सलमा को किडनैप कर लूंगा। चॉकलेट देने के बहाने मैं उसे घर लेके गया। मैंने उसके मुंह पे पट्टी बांध दी ताकि वो चिल्ला ना सके। कॉलेज से क्लोरोफॉर्म भी लिया था, वो बेहोश हो गई थी। मैंने उसे उठा के अलमारी में छुपा दिया ताकि कोई देख ना ले। थोड़ी देर बाद जब मैंने अलमारी खोली तो वो नीचे गिर गई और उसके नाक और मुंह से खून निकला हुआ था। सर मैं सिर्फ उसे बेहोश करना चाहता था लेकिन वो मर चुकी थी। मैं बहुत डर गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मैंने सौरभ को बुला। ये मर चुकी है, लम्मा अंदर जाएगा। तुझे मैंने इधर मेरी मदद के लिए बुलाया, डराने के लिए नहीं। ओ पागल समझा क्या मुझको? मैं इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। और अगर मैं तुझे बहुत सारे पैसे दूं तो? वो भी लाखों में? लाखों में? मुझे पता था बलजीत अंकल इंडिया में नहीं है और उनके घर में सिर्फ उनकी बूढ़ी माँ ही रहती थी। उसी रात हमने सलमा की बॉडी बलजीत अंकल के टेरेस पे ले जाकर के वाटर टैंक में डाल दी। पैसों के लिए इतने दिनों बाद फोन क्यों किया? सर मैं तो फोन भी नहीं करने वाला था लेकिन सौरभ पैसे मांग रहा था मेरे पास, मैं कहाँ से देता। और सर आप लोग भी चले गए थे तो मैंने सोचा किसी को पता ही नहीं है कि सलमा मर चुकी है तो पैसे मांग सकते हैं। तो जब इरफान वहां पैसे लेके पहुंचा तो पैसे लेने क्यों नहीं आया? सर मैं आने वाला था लेकिन मैंने देखा आप लोग इरफान अंकल के पीछे गए थे इसीलिए नहीं आया। शोभा जी इन्हें जरा बाहर लीजिए। बच्ची के साथ रेप भी किया था। हमें आज भी नहीं पता कि हमारी बच्ची के साथ अत्याचार हुआ था भी या नहीं, लेकिन कानून ने दिव्येश को सलमा की हत्या के जुर्म में सजा दी और सौरभ को सबूत मिटाने के जुर्म में सजा मिली। न्याय तो हुआ मेरी बेटी के साथ लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि दिवेश और सौरभ नाबालिग थे और 9 महीनों में ही जेल से बाहर आ गए थे। वो दोनों आज तो इस मोहल्ले में नहीं रहते लेकिन डर आज भी इस मोहल्ले का हिस्सा है। जो मेरी सलमा के साथ हुआ
मैं नहीं चाहती कि देश की किसी भी सलमा के साथ हो, इसलिए आप लोग होशियार हैं। हम बस इतना ही चाहते हैं कि देश इंसानियत की मिसाल बने और हमारे देश की हर सलमा सुरक्षित रहे।